एक ऐसा इंडियन किंगडम जिसका रूल लगभग 600 सालों तक चला। ये वही राज्य है जिसकी मुगलों से 18 बार जंगें हुईं। और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये वही राज्य है जिसके बारे में आज हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम जानेंगे इस राज्य के बारे में सब कुछ हिस्ट्री नाम। तो जय हिंद दोस्तों, और हिस्ट्री नामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अहोम वंश, अहोम राज्य, वो राज्य है जिसका रूल 1228 से 1826 तक असम में ब्रह्मपुत्र वैली में चला। इस अहोम राज्य को सबसे ज्यादा जाना जाता है मुगलों के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विरोध करने के लिए। और ब्रह्मपुत्र वैली में असम में एक बहु सांस्कृतिक यानी मल्टी एथनिक राज्य स्थापित करने के लिए। तो सुकफा या सुकाफा एक ताई प्रिंस थे जो साल 1228 में बर्मा यानी आज के म्यांमार से भारत के नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ ब्रह्मपुत्र वैली में अहोम राज्य की स्थापना की। अहोम्स शुरू में अपने किंगडम को कहते थे मोंग डून शुन खाम, जिसे आज हम जानते हैं असम के नाम से, और कहते हैं कि असम को उसका नाम अहोम लोगों से ही मिला। 1253 में सुकफा ने चरायदेव को अपनी कैपिटल बनाया और असम के जो अलग अलग लोकल एथनिक ग्रुप्स थे यानी स्थानीय जातियां या ट्राइब्स थी, उनको साथ में लिया, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट दी, इंटरमैरिजेस को बढ़ावा दिया और इस तरह से एक मजबूत समाज की नींव रखी। सुकफा को आधुनिक असम और एक मिलजुल कर रहने वाले असम समाज का जनक कहा जाता है। असम इतिहास में इनका योगदान इतना महान माना जाता है कि इन्हें चाओलुंग कहा जाता है। चाओ यानी लॉर्ड और लुंग यानी ग्रेट। सुकफा ने जब अपने राज्य की नींव डाली तो उन्होंने दो नए ऑफिस एस्टैब्लिश किए यानी दो गोहाइन या काउंसलर्स अपॉइंट किए, जिन्हें कहते थे बोरहा गोहाइन और बोर गोहाइन। 1280s तक इन दोनों ऑफिसर्स को इंडिपेंडेंट रीजन्स रूल करने के लिए दिए गए, जिसे वो कंट्रोल कर सके और अहोम किंगडम में चेक एंड बैलेंस सिस्टम लागू हो सके। चेक एंड बैलेंस यानी वो सिस्टम जिसमें पावर गवर्नमेंट की अलग अलग ब्रांचेस में बंट जाती है, यानी अलग अलग ब्रांचेस पावर को शेयर करती हैं, एक दूसरे की पावर पे लिमिटेशन लगा सकती हैं यानी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पावरफुल होने से रोक सकती हैं, और एक बैलेंस गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। यानी ये कि अब अहोम राज्य के तीनों ऑफिसर्स, राजा यानी चाओफा, बुरहा गोहाइन और बोर गोहाइन, एक दूसरे के साथ पावर को शेयर करते थे। आगे चलकर अहोम किंगडम में तीन और इंपॉर्टेंट पोजीशंस क्रिएट हुई जिनसे बने पत्र मंत्री, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। चाओलुंग सुकफा ने रूल किया लगभग 40 सालों तक। वैसे तो इस राजवंश में और बहुत सारे रूलर्स आए, पर आज हम बात करेंगे उनमें से सिर्फ कुछ रूलर्स की। अहोम किंगडम के सबसे महान रूलर्स में से एक माना जाता है सुहुंग मुंग को, जिनका रूल चला 1497 से 1539 तक। अहोम किंगडम के 17वें राजा सुहुंग मुंग ने अपने लिए स्वर्ग नारायण का टाइटल अडॉप्ट किया। ये वो वक्त था जब अहोम्स का हिंदुइजेशन हो रहा था, यानी अहोम किंगडम पे हिंदू धर्म का प्रभाव देखा जा रहा था। सुहुंग मुंग के अंडर अहोम किंगडम बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ और सूतिया और कछारी किंगडम्स तक फैला। सुहुंग मुंग ने अपने अहोम किंगडम को पहले मुस्लिम इन्वेजन के खिलाफ डिफेंड किया, जो हुआ था तुर्बक खान के अंडर, जो बंगाल के सुल्तान का जनरल था। सुहुंग मुंग के अंडर अहोम किंगडम इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ और इतने सारे एथनिक ग्रुप्स इसमें शामिल हुए कि अहोम्स अपने ही किंगडम में माइनॉरिटी हो गए। हालांकि इससे अहोम किंगडम और ज्यादा विस्तृत हुआ और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हुआ और ज्यादा मल्टी एथनिक हुआ। साथ ही असमीज लैंग्वेज अहोम राज दरबार तक पहुंची और ताई लैंग्वेज के साथ साथ असमीज लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होने लगा। और आगे चलकर एक वक्त ऐसा आया कि असमीज लैंग्वेज ने ताई लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। सुहुंग मुंग ने असम में बकटा को अपनी कैपिटल बनाया, जो दिहिंग नदी के पास था, इसलिए इन्हें दिहिंगिया राजा भी कहा जाता है। साथ ही सुहुंग मुंग ही वो राजा थे जिन्होंने साल 1527 में अहोम किंगडम में तीसरे गुहाइन या काउंसलर की पोजीशन को एस्टैब्लिश किया, जिसे कहते हैं बोर पत्रो गुहाइन। अहोम किंगडम के 20वें राजा प्रताप सिंह या सुसेंगफा का रूल चला साल 1603 से 1641 तक। इन्होंने ही जो पत्र मंत्रीज थे यानी जो 5 काउंसलर्स थे उनमें से लास्ट 2 की पोजीशंस को एस्टैब्लिश किया, यानी जो बाकी के 2 काउंसलर्स थे उनके ऑफिसेस को एस्टैब्लिश किया, जो थे बोर बरुआ और बोर फुकान।
अगर आपने लचित बोरफुकन का नाम सुना है या उनके बारे में कहीं पढ़ा है तो ये भी एक बोरफुकन ही थे जो एक टाइटल हुआ करता था। इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है बैटल ऑफ सरायघाट में औरंगजेब की मुगल सेना को बुरी तरह से हराने के लिए। प्रताप सिंह ने ही पाइक सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया जिसपे अहोम किंगडम की इकोनॉमी बेस्ड थी। पाइक सिस्टम दरअसल वो सिस्टम था जिसमें अहोम किंगडम के 16 से लेकर 50 साल की उम्र तक के जितने भी आदमी थे उन्हें किंगडम को मिलिट्री सर्विस देनी होती थी, यानी किंगडम की मिलिट्री ज्वाइन करके उसमें काम करना पड़ता था, और इसके बदले में किंगडम अपनी जमीन उनको देती थी खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए। हर एक आदमी को इसमें पाइक कहा जाता था और इसीलिए इस सिस्टम को पाइक सिस्टम कहा गया। अहोम वंश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या पत्र मंत्री की पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी कि इनकी सहमति के बाद ही राजा को नियुक्त किया जाता था। इन सभी ऑफिशियल्स की इंडिपेंडेंट टेरिटरी हुआ करती थी जहां का एडमिनिस्ट्रेशन ये देखा करते थे, और इन सभी पोजीशंस पे कुछ स्पेसिफिक चुनी हुई फैमिलीज के मेंबर्स को नियुक्त किया जाता था। अहोम किंगडम पे मुगलों का पहला हमला हुआ साल 1615 में और आखिरी हमला हुआ साल 1682 में, और इस बीच इनके बीच 18 बार जंगें हुई और टेरिटरीज एक्सचेंज होती गई, यानी कभी मुगल जीतते और कुछ एरियाज पे कब्जा कर लेते तो कभी अहोम उन एरियाज को वापस जीत लेते। पर कुछ अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें से एक है बैटल ऑफ सरायघाट, जिसमें एक तरफ थे राजा राम सिंह और दूसरी तरफ थे लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन ने इस युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई जिसकी कोई बराबरी नहीं। इस युद्ध में ना सिर्फ अहोम्स की जीत हुई बल्कि उन्होंने अपनी टेरिटरी को वेस्ट साइड में मानस रिवर तक, मानस नदी तक एक्सटेंड कर लिया और अपने राज्य का और ज्यादा विस्तार किया। 18th सेंचुरी में अहोम किंगडम में विद्रोह शुरू हो गया, जिसमें एक तरफ थे मोआमारा सत्र को मानने वाले मोआमोरिया लोग और दूसरी तरफ थे अहोम राजा। मोआमोरिया विद्रोह फैलते हुए राज्य के ऐसे लोगों तक पहुंचा, ऐसे सेक्शंस तक पहुंचा जो अहोम किंगडम से और राजा से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। ऐसे में दो बार ऐसा वक्त आया जब अहोम कैपिटल रंगपुर पे विद्रोहियों का कब्जा हो गया। कैपिटल को वापस लेने में मदद की ब्रिटिशर्स ने कैप्टन वेल्च के अंडर। इसमें एक बहुत बड़ी आबादी का कत्लेआम हुआ, बहुत सारे लोग राज्य छोड़कर चले गए और कहते हैं अहोम किंगडम की जो आधी आबादी थी वो इस पूरे विद्रोह काल में खत्म हो गई। 1805 तक चले इस विद्रोह से अहोम राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसकी इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई, और पहले से ही कमज़ोर अहोम किंगडम पे एक और मुसीबत आने वाली थी बर्मीज इन्वेजन, बर्मीज अटैक के रूप में। 1817 से 1826 के बीच बर्मा ने तीन बार असम पे हमला किया, जिसमें 1821 से 1825 तक असम किंगडम पे बर्मा का कंट्रोल रहा। इसके बाद 1824 से 1826 तक पहली एंग्लो बर्मीज वॉर चली, जिसके बाद 1826 में ट्रीटी ऑफ यंदाबो के साथ असम किंगडम, अहोम किंगडम पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया। इस ट्रीटी में ना ही अहोम किंगडम और ना ही कचारी किंगडम या उस टेरिटरी की किसी भी दूसरी किंगडम की सहमति नहीं ली गई। आगे चलकर साल 1833 में ब्रिटिशर्स ने पुरंदर सिंघा को अपर असम का राजा बनाया, सालाना 50,000 रुपए के ट्रिब्यूट के बदले। 1838 में फाइनली ब्रिटिशर्स ने इनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और इसी के साथ अहोम डायनेस्टी के 600 सालों के शासन का अंत हो गया। असम या नॉर्थ ईस्ट में आज भी आपको लोग बोरा, बरुआ या हजारिका सरनेम्स के साथ मिलेंगे। ये वो टाइटल्स हैं जो अहोम किंगडम या नॉर्थ ईस्ट किंगडम्स में जो पाइक ऑफिसर्स या मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे उनको दिए जाते थे, और ये उन्हीं के वंशज हैं जो आज भी अपने नाम के साथ इन टाइटल्स को लिखते हैं। आज बहुत से लोग नॉर्थ ईस्ट के हमारे लोगों को इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई फॉरेनर हो। वजह ये है कि हम उनके या उनके इतिहास के बारे में जानते ही नहीं। इसलिए अपने देश के इस हिस्से के इतिहास को जानिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके मुझे कॉमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।